तो भाई देखो श्वेता का टाइम पास वो कैसे हो रहा है देखो भैया ये क्या करती है पूरे ट्रिप पे भाई, एक बार सोती है, जगती है और विनीत भैया को परेशान करती है, भैया फोटो खींच दो। विनीत भाई कैसे तो जी पिछले वीडियो में आपने देखा कि बद्रीनाथ के दर्शन हमने कितने तरीके से किए और हमें कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ का सामना नहीं करना पड़ा, बहुत अच्छे दर्शन हुए। थोड़ा बहुत रश था वीकेंड की वजह से, बट वो एज़ कम्पेयर टू जो पहले रश हुआ करता था लॉकडाउन या कोविड से पहले का, वो वाले रश के कंपेरिजन में बहुत ही कम था। और इस वाले ब्लॉग में हम जा रहे हैं माणा विलेज, जो कि 10,248 फीट की ऊँचाई पर स्थित है, भारत का आखिरी गाँव। तो माणा विलेज जा रहे हैं अभी और बाकी चीज़ें वहीं पहुंच के बात करेंगे। तो 3-4 किलोमीटर का बस डिस्टेंस है, उसे कवर कर रहे हैं और बस पहुंचने वाले हैं माणा। और बस बोर्ड आने वाला है एंट्री पॉइंट, जैसे एंट्री का पता लगेगा। बस ये तो क्या है भाई, दुकान देख रही मेरे को, कौन सी चाय वाली लास्ट की दुकान, वो तो वहाँ आगे जाने नहीं देगा तो वो गाड़ियाँ तो गई है, एक बार एंट्री तो करा लो, देखते हैं ना कमर्शियल वो लोकल गाड़ियाँ हैं। तो जी देखो नज़ारा, और ये सामने लास्ट इंडियन विलेज सीमान ग्राम माणा, और ये रोड कहाँ जा रही है हमें नहीं पता, और इधर नो व्हीकल्स परमिटेड, यहाँ जा नहीं सकते, उस तरफ जाना अलाउड नहीं है भाई, पर बॉर्डर तो क्रॉस करेंगे। तो जी इसके आगे की जो सीमा इन्होंने बंद कर रखी, नो व्हीकल बियॉन्ड द पॉइंट एक्सेप्टेड ऑफ ऑफिसर ड्यूटी, इनके अलावा कोई नहीं जा सकता। तो ये वो माणा विलेज, पर आगे जाके बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ, बहुत ही बढ़िया गाँव है यार, और अलग ही नज़ारे हैं आगे, पर पता नहीं किस वजह से बंद किया हुआ है, क्या वजह है। तो सर कब तक खोलेंगे? तो ये है, और यहाँ का नियरेस्ट जो बॉर्डर हमारा पड़ता है दूसरी कंट्री का, चाइना सबसे पास है, और यहाँ पे तिब्बत रीजन के भी मैक्सिमम लोग आपको मिल जाएंगे आगे। बाकी अंदर जाने के लिए व्यास वाली व्यास गुफा, भीम पुल और एक दो चीज़ें और हैं, और बद्रीनाथ से नियरेस्ट है तो इसलिए लोग मैक्सिमम लोग यहाँ पे आके आते हैं माणा गाँव। जितनी भी चीज़ें एक्सप्लोर करने लायक है वो हो जाती है, बट ये मैक्सिमम एक दिन का काम है माणा गाँव, आप एक दिन भी पूरा नहीं लगेगा, आपका स्टे करने की ज़रूरत नहीं है, 4-6 घंटे का काम है। अगर आप भीम पुल वगैरह जाते हो, व्यास जी की गुफा में जाते हो, तो अदरवाइज़ ज़्यादा आपको इतना ही टाइम लगेगा, उसके अलावा इससे ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता, मतलब यहाँ से आप जाके वापस रिटर्न भी हो सकते हो, जब भी आपका डेस्टिनेशन है बीच में, चाहे आप कहीं भी स्टे कर रहे हो। तो ये जो बाकी आपकी चीज़ें बताई मैंने वो है, बाकी कुछ है नहीं ऐसा। ये पीछे हमारे लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, यहाँ भी हम पहुँच गए। मैंने भाई फोटो खिंचवाई हमने यार, पर माणा का जाने नहीं दिया यार, अफसोस की बात है ये यार, इसका रिग्रेट रहेगा, रिग्रेट रहेगा। और फिर यार क्यों यार, पता नहीं रीजन भी नहीं बताया इन्होंने, पता नहीं क्या यार रीजन, कोविड को चक्कर में ही कहते हैं, काफी लंबा नहीं हो गया यार, बाकी चीजें खुल चुकी है, इन्हें खोल देना चाहिए बिल्कुल, पर हो सकता है कि उधर यार फिर मतलब उतनी सुविधाएं ना हो, यही हो सकता है, यही दिक्कत होगी, तो यार रिस्क लेने का फायदा नहीं यार, कभी और माणा करिए बेसिकली आर्मी का एरिया है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखते हैं। तो हम यही फोटो खिंचवाई माणा से वापस जाएंगे। अगर हमारे जो प्लान है, प्लान के अकॉर्डिंग हमारा है कि आज हमें माणा से मतलब बद्रीनाथ से वापस जाना है हमें श्रीनगर, और आज हमारा जो स्टे होने वाला है वो श्रीनगर पे होने वाला है। तो बद्रीनाथ से श्रीनगर का ये वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आएगा, इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो बने रहना वीडियो में, अभी चल रहे हैं फटाफट, और अब आज पहुँचना है किसी भी तरह से श्रीनगर। सोनी भैया एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, अगर कोई आना चाहे तो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा, ठीक है ना? ठीक है, आप सोनी भैया से कॉन्टैक्ट कर लेना अगर आप यहाँ पे आते हो। तो ये है अर्टिगा गाड़ी, पहले की कोई दिक्कत नहीं, अर्टिगा एक वाली, और ये वाली गाड़ी आप कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, कौन सी गाड़ी चाहिए भाई, जो जो गाड़ी चाहिए वो मिल जाएगी ऐसा कह रहे हैं भैया, तो ये चीज़ अच्छी है। बाकी अब निकलते हैं फटाफट, यार श्रीनगर जाना है हमें। देखो श्वेता का टाइम पास वो कैसे हो रहा है देखो भैया
ये क्या करती है पूरे ट्रिप पे भाई, एक बार सोती है, जगती है और विनीत भैया को परेशान करती है, भैया फोटो खींच दो। विनीत भाई कैसे 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 तो भाई ये वाला पोज हो जाने के बाद ये उसके बाद क्या करती है कि उड़ जाती है और अभी कुछ नहीं करने के लिए तो देखो क्या कर रही है। अरे तो भाई श्वेता पूरा एंटरटेनमेंट रहा है भाई, पूरा मजेदार एकदम बढ़िया और आगे व्यू भी आप देखो मजेदार एकदम। आप तो जॉनी भैया ने बोल दिया कि आप सो रहे थे कि मैं आपको गड्ढा नहीं दिखाऊं। अल्टीमेटली अब ये है कि देखो व्लॉग तो बन गया, बद्रीनाथ आके दर्शन कर लिए बहुत अच्छे से हमने और अब वापस हम जा रहे हैं तो अब श्रीनगर वाले रूट पर थोड़ी मस्ती तो होनी चाहिए तो अब वही चल रहा है बस। अब अभी बहुत ज़्यादा सीरियस व्लॉग्स थे और थोड़ा सा ऐसे रहेगा तो अभी बाकी बैटरी थोड़ी लो हो रही है, थोड़ी देर मिलते हैं आपसे। तो जी जो अभी हमने दिखाया सीन आपको, यहाँ पे हमें जॉनी भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे लामबगड़ के पास कितनी 7 गाड़ियाँ हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ दबी हुई हैं और ये मतलब रोड का कंस्ट्रक्शन का काम लैंडस्लाइड की वजह से और काम कब से चल रहा है इसका, 5 साल से काम चल रहा है और थोड़ा सा डेंजरस है ये। जॉनी भैया ने आंखों से होते हुए देखा ये और जॉनी भैया बता रहे हैं कि जिस जगह पे भी हमने खड़ों के शूट बनाया, वीडियो बनाया, ये क्लिप लिया और वहीं पे वो 3 दिन तक खड़े रहे, इतना गंदा लैंडस्लाइड हुआ था। क्योंकि यहाँ के पहाड़ बहुत खोखले हैं, मतलब बहुत के खोखले ही हैं तो देखो मजबूती से बनाने, बाप रे। तो ये राजी हनुमान चट्टी, यहीं पे हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा था तो इसलिए हनुमान चट्टी फेमस है, भीम का घमंड तोड़ने के लिए फेमस है ये हनुमान चट्टी। ये रास्ते में पड़ता है बद्रीनाथ के। तो जी 2.5 से 3 घंटे का सफ़र हमने कर लिया है और यहाँ रुके हैं, कोई न्यू विक्रांत रेस्टोरेंट है और अब लंच यही करेंगे और प्लान हमारा श्रीनगर, आज हम जा रहे हैं श्रीनगर स्टे करेंगे बट देखते हैं कि श्रीनगर का क्या रहता है हमारा हिसाब किताब और रुकेंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे वहाँ या बीच में कहीं और स्टे करना पड़ेगा, देखते हैं बाकी। तो पहले लंच करते हैं फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो जी हमारा लंच आज ये होने वाला है, ये सारी चीज़ें रेडी हो गई हमारे सामने और ये है आप क्या क्या भाई, दाल रोटी चावल और ये कुछ मिक्स वेज है और अभिनीत भाई वहाँ भूख लग रही भाई बहुत ज़्यादा लग रही और आज तक गए थे और हमारे आज मतलब इनकी वजह से सब कुछ हो पाया भाई जो हो पाया है और हमारे साथ आज डिनर कर फाइनली हमारे साथ कुछ खा रहे हैं, है ना भाई, ये कह सकता हूँ कि हमारे साथ कुछ खा रहे हैं भाई बैठ के और ये लगी खाने पे टूट पड़ो। चलो इसको ख़त्म करते हैं फिर निकलते हैं और आज फटाफट हमें पहुँचना है कि श्रीनगर आज टच करना है किसी भी तरह से आज। लंच तो कर लिया बस, ये समझ लो पेट ही भरा है हमने और क्या कहूँ इसके बारे में, सर्विस 0 है क्योंकि जब 10 लोग होते हैं इनसे 20 आ जाते हैं 40 आ जाते हैं तो इनसे संभाला नहीं जाता है तो बस दिक्कत सारी वही है। खाना ओके था, जगह यही है देख लो, आपके ऊपर रुकना है रुकना, पार्किंग है एक्चुअली यहाँ पे, पार्किंग हमारी गाड़ी है तो ठीक है 10 में से 6। चलो अपना सफ़र जारी रख रहे हैं और फिर से बता दूँ श्रीनगर जा रहे हैं। जी लंच ब्रेक के बाद और बीच में हमने अच्छी से एक नैप ली, पावर नैप, हम यहाँ कहीं रुके हुए हैं 5.5 घंटे बाद और अभी भी 20-25 किलोमीटर अभी बाकी है हमारा श्रीनगर का डिस्टेंस, अभी 1 घंटा दिखा रहा है 29 किलोमीटर बाकी है तो सोचा यार चाय वाय पी लेते हैं क्योंकि डिनर में तो अभी थोड़ा टाइम है कि थोड़ा रुके करेंगे तो हमने सोचा चाय वाय पी लेते पर इनके पास मजे की बात है चाय नहीं है, कह रहे चाय नहीं मिल पाएगी, ठीक है फिर कहीं और ढूंढते हैं, अगर पहुँच गए तो सीधा श्रीनगर में चाय पियेंगे फिर। तो इधर लाइट थी इसलिए हमने कहा इधर बना लेते हैं थोड़ा सा, बाकी गाड़ी अपनी उधर पीछे है भाई, ठीक है अब कहाँ जा रहे हैं विनीत भाई, चाय तो है नहीं इनके पास, चलो चलो
नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट वाले पे। चलो विनीत भाई का एक ड्यूटी देखो, ये भी लगी हुई है, ये जो है ना सामने, इसको कहीं भी रुकते हुए फोटो खिंचवा लिया बस। चलो भाई यार देखते कहीं मिल जाती चाहे तो। सच बताओ कि उन्होंने मेरी पिक्स नहीं खींची। नहीं तो जी 200-300 मीटर बाद एक और शॉप मिल गई जहाँ पे चाय मिल गई है इधर, और साथ में जो हम लाए हैं कुछ स्नैक्स वगैरह वो खा रहे हैं और चाय लेते हैं। थकान हो जाती है थोड़ी सी अगर ये चाय वाय ना मिले तो सफ़र में, क्यों भाई? तो भाई तो बस फटाफट श्रीनगर पहुँचना है तो चाय पीते फटाफट ठंडी हो जाएगी। चलो नहीं आ रहा तो जी श्रीनगर पहुंच गए हैं फाइनली, और हमने एक होटल ले लिया है। ये मार्केट वाले एरिया पे ही है, ये वाला मार्केट वाला एरिया है पूरा, और यहाँ से हमने ये वाला होटल लिया है। सामने कैनरा बैंक है वहाँ पे। सो आज हम यही स्टे करने वाले हैं, और अभी जाएंगे पहले डिनर करेंगे फटाफट, क्योंकि यहाँ पे 8 बजे का 8 या 9 बजे तक मार्केट क्लोज़ हो जाती है। तो पहले डिनर करेंगे और उसके बाद आज आराम करेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम सुबह निकलेंगे हरिद्वार के लिए। अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे जितना जल्दी हो सकेगा। और सुबह कितने बजे तक निकलना भाई जी? 5 बजे के आसपास निकलेंगे। 5 से 6 के आसपास, 5 से 6 के आसपास हम लोग कोशिश करेंगे निकलेंगे, क्योंकि यार थकान भी हो जाती है ना, तो थोड़ा आराम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बाकी मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। और तो जी ये हमारा रूम आज का, और श्रीनगर में स्टे करने वाले हैं आज, समय ला के पहले रख दिया मतलब। और विनीत भाई थैंक यू सो मच भाई, फिर से हम श्रीनगर आ गए एक बार फिर से आपकी आपकी एक्स नगरी में। सो ये है बाकी वॉशरूम अंदर, वो मैं दिखाता नहीं क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि यार वॉशरूम वगैरह नहीं दिखाना चाहिए। वॉशरूम भी अच्छा है, गीज़र वगैरह सब कुछ है। और आज रात में रुकेंगे और कल निकलेंगे हरिद्वार के लिए। तो भाई एज यूजुअल वही वाली जहाँ पे हमने पराठे खाए थे श्रीनगर, जब हम जा रहे थे यहाँ पे बद्रीनाथ की तरफ तब हम रुके थे, और वहीं पे हम भी फिलहाल आज का डिनर भी वहीं कर रहे हैं। और देखो कितना प्यारा सा है ये साथ में हमारे, दाल हुई, रोटी हुई, और ये सैलेड घर का बना हुआ खाना है, और मतलब इस तरह से हो रहा है सर्व। और ये सिर्फ इनकी वजह से हो रहा है भाई, क्योंकि ये इनकी बनाई हुई मार्केट है। तो भाई थैंक यू सो मच भाई फिर से। तो यही है फिर, और यार वीडियो भी यही माइंड अप करते हैं, क्योंकि रूम पे जाके हम नौटंकी करने वाले हैं और अपना सोएंगे, फिर उसके बाद सुबह जाना है हरिद्वार, फटाफट निकलेंगे, वीडियो माइंड अप करते हैं। तो जी तो फिर वीडियो को फिर करते हैं माइंड अप, लास्ट विलेज से हम इस वीडियो को पहली बार माइंड अप कर रहे हैं। उस तरफ जाके भी कर सकते थे बट एक ही बात है, तो वाटर पे खड़े होकर हम वीडियो पहली बार एंड कर रहे हैं। और ठीक है फिर यही वीडियो था छोटा सा, मिलते किसी और वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।